हेलो एंड वेलकम बैक सर सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रेंटिस के बारे में। अप्रेंटिस क्या होती है, हम कैसे कर सकते हैं, अप्रेंटिस करने के फ़ायदे क्या होंगे, हम क्यों अप्रेंटिस करें, अप्रेंटिस से हमें क्या जॉब मिलेगी, अप्रेंटिस में सैलरी कितनी मिलती है, अप्रेंटिस में छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, अप्रेंटिस का पेपर कब होता है, अप्रेंटिस के पेपर में फेल होने के बाद हमारा क्या होगा, एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद यदि हम फेल हो गए तो क्या होगा, ये हमारे सभी क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगर जब हमने ITI कंप्लीट कर ली है तो हम अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये सब प्रश्न आना हमारे लिए मामूली सी बात है। तो आज इस वीडियो में हम ये सभी क्वेश्चनों के जो है आपको आंसर देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिस जो होते हैं एक साल का प्रशिक्षण होता है जो कि आप निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं। अप्रेंटिस हम कौन से लोग कर सकते हैं, अप्रेंटिस वे लोग जिन्होंने निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से ITI कंप्लीट कर रखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और भी अदर ट्रेड्स से जिन्होंने ITI कंप्लीट कर रखा है वे विद्यार्थी अप्रेंटिस को कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने का फ़ायदा क्या है, अप्रेंटिस करने का फ़ायदा इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं अतिथि शिक्षक यानी कि बनकर पढ़ाते हैं, लगभग 3 से 4 साल जब वो शिक्षक पढ़ाते हैं और जब कभी शिक्षकों की भर्ती निकलती है तो उनको जो है कुछ प्रॉफिट, कुछ मुनाफा होता है उस अतिथि शिक्षक में पढ़ाने का। उसी प्रकार हमें भी एक साल का अप्रेंटिस करने का हमें एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, उस संस्थान में प्रशिक्षण लेने का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। जब भी कभी हमें इन संबंधित ट्रेड से वैकेंसी निकाली जाती है तो हम उस एक्सपीरियंस के तौर पर दूसरे अन्य विद्यार्थियों से कुछ आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए अप्रेंटिस करना जरूरी है। अब अप्रेंटिस कैसे कर सकते हैं, तो अप्रेंटिस जो होती है आप किसी भी निजी संस्थान जैसे कि विभिन्न ऑयल फैक्ट्रीज वगैरह, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, BSNL और गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब इन्हों से आपको जो है हर माह लगभग आपकी अप्रेंटिस की भर्ती जो है निकलती रहती है। और अगर आप इच्छुक हैं अप्रेंटिस करने के तो आप जो है अप्रेंटिस जरूर करें, इनसे फॉर्म आप भरें। कैसे हम पता कर सकते हैं, तो सरकारी में आपको दो वेबसाइट का नाम बताता हूँ, sarkaririzult.com या FreeJobAlert, इनमें आप देख सकते हैं हर माह आपकी कहीं ना कहीं पे अप्रेंटिस करने के लिए आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। अब अप्रेंटिस में हमने दाखिला तो ले लिया, अब इसमें हमें सैलरी क्या मिलेगी, कितने घंटे हमें काम करना होगा। तो जब मैंने 2019 में भोपाल डिवीज़न से विदिशा से मैंने अप्रेंटिस कंप्लीट की हुई थी तो मुझे लगभग 7300 रुपये महीने का जो है सैलरी मिलती थी। लगभग 7 से 8 घंटे मेरा वर्क टाइम हो जाता था। तो ऐसा ही आपको करना होगा और मैं जो है अपनी पूरी जर्नी को जो है आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार एक साल की जो है ट्रेनिंग जो है कंप्लीट की विदिशा से SNT डिपार्टमेंट यानी कि रेलवे से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले दाखिला लिया और विदिशा में मुझे भेज दिया गया। इसके बाद मुझे 7300 रुपये सैलरी और लगभग 7 से 8 घंटे जो है मुझे काम करना होता था। काम क्या करना होता था, काम ये होता था कि वहाँ के जो अधिकारी लोग होते थे उनके साथ हमें जाना होता था, उनके साथ हमें विभिन्न जो है रेलवे स्टेशनों पर जाना होता था, उनके साथ जाना होता था, जो इक्विपमेंट्स यानी कि मल्टीमीटर, वहाँ की जो चाबी वगैरह होती थी ये सब हमें ध्यान से रख के ले जाना होता था, जो भी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यूज़ करते हैं, पाना पिंचेस जो भी वगैरह, ट्विज़र वगैरह, ये सब जो है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पर सावधानी होती है, आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना है, आपकी एक असावधानी आपको ले डूबेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। अब इसके साथ आपको जो है अगर आप बाहर से करते हैं तो आपको वहीं पर रहकर करना होगी। अब इसके बाद छुट्टियों की बात करते हैं, छुट्टियां आपको जैसे वहां के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से आपके लिए भी जो है छुट्टियां डिसाइड कर दी जाती हैं कि आपको साल में इतनी छुट्टियां, इतने CL और इतने सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई ऊपरी पैसा
तो आपको अभी आप परमानेंट नहीं हैं, इसलिए आपको कुछ ऊपरी पैसा नहीं दिया जाता है, ना टीए ना डीए कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको जो है मंथली सैलरी जो है प्रदान की जाती है। अब इसके बाद एक साल की ट्रेनिंग होने के बाद जो होती है, अब हमने परेशानियाँ क्या हुई, तो आपको जो है परेशानियाँ सबसे पहले ये हो गए कि आपको भी जो है एक सरकारी कर्मचारी की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा, यानी कि आपको भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह वहाँ पे कार्य करना होगा, यानी कि उतनी हार्डवर्क तो नहीं करना होगा लेकिन उनके साथ आपको रहना होगा, सीखना, यदि आप सीखना चाहते हैं कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको परिश्रम जो है करना ही पड़ेगा, आपको भी उनके साथ जो है धूप में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, यदि आप रेलवे जैसी संस्थान से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा, इन इन परेशानियों का जो है आपको सामना करना पड़ेगा। अब इसके बाद जब आपकी एक साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपका जो है वहाँ के बड़े अधिकारी जैसे DST या और भी बड़े अधिकारियों के द्वारा जो है आपका जो है प्रैक्टिकल लिया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं इंटरव्यू, जैसे मैं जैसे पूछते हैं ना जो भी कुछ चीज़ कि आपने एक साल में क्या सीखा, यही चीज़ें आपको जो है वहाँ पे सिखाई जाती हैं। मेरे को वहाँ से जो मशीनें वगैरह होती थी है ना, मशीनें जो डिब्बे होते थे उनके बारे में सब पूछा जाता है कि आप मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं, DC AC इन सब के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल नॉर्मली सी बात है, आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिकल में बिल्कुल नॉर्मल बातें पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका 2 से 3 महीने या लगभग 5 महीने बाद जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल तो हो गया, अब प्रैक्टिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम भी लगभग 50 क्वेश्चन का जो है आपसे पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपने जिस ट्रेड को पढ़ा हुआ है उसी ट्रेड को पढ़कर जाइए, उसी ट्रेड से संबंधित सभी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप पास हो जाते हैं इस पेपर में तो आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो अगले साल जो अप्रेंटिस लोग करेंगे उनके साथ आपको एग्ज़ाम देने के लिए फिर से मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें जो थी हमने डिस्कस की कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, इस तरह मैंने अप्रेंटिस अपनी कंप्लीट की और अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है मुझे या जॉब नहीं मिली है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप इसमें कंटिन्यू जो है पढ़ाई करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको 2 या 3 नंबर जो है हर एग्ज़ाम में जो है वो चूक जाते हैं, अगर उन्होंने अप्रेंटिस कंप्लीट कर ली है तो उनका जो है 100% में 95% तक उनके चांसेस होते हैं कि उनकी जॉब जो है लग जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।